नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज, प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। जिले में नहीं थम रहा रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार बोलेरो ने महिला सिपाही को रौंदा, मौके पर हुई मौत। अंग प्रदेश में विसारी पूजा को लेकर सारी तैयारी हुई पूरी, शनिवार को मंदिरों में होगी मां मनसा की पूजा। पटना से आए पुरातत्व विभाग की टीम ने चंपा नगरी का किया निरीक्षण, ऐतिहासिक धरोहर के अवशेषों को किया एकत्रित। स्नातक में दाखिले को लेकर छात्रों ने विश्वविद्यालय में जमकर किया हंगामा, छात्र संगठनों ने आंदोलन की दी चेतावनी। और स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा नहीं फहराए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने किया हंगामा, नाथनगर मुख्य सड़क मार्ग किया जाम। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर में तेज रफ्तार का कहर जारी है, तेज रफ्तार की चपेट में आकर लोग असमय अपनी जान गंवा रहे हैं। सुल्तानगंज के फतेहपुर गांव के NH 80 पर शुक्रवार को अनियंत्रित बोलेरो ने महिला सिपाही को रौंद दिया, जिससे महिला सिपाही की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह केंद्रीय कारा भागलपुर में तैनात महिला सिपाही प्रिया कुमारी अपने पति और 6 माह के बच्चे के साथ स्कूटी से मायके से वापस ड्यूटी पर लौट रही थी, तभी सुल्तानगंज के फतेहपुर के पास एक अज्ञात तेज रफ्तार बोलेरो ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर ही प्रिया की मौत हो गई, जबकि पति और नवजात बच्चा घटना में बाल बाल बच गया। दोनों को मामूली चोटें आई, जिसका इलाज सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में चल रहा है। वहीं घटना को लेकर सुल्तानगंज पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। रक्षाबंधन का दिन था और अचानक से फतेहपुर के पास आए, पीछे से धक्का मारा और अचानक हम सब अनबैलेंस होने के कारण गिर गए और गिरने के बाद पीछे जो फोर व्हीलर था सर पे चढ़ा दिया और उसके बाद थोड़ा बहुत था जब तक अस्पताल आए। कहाँ से लौट रहे थे आप? लौट रहे थे अपने ससुराल से, आ रहे थे। कहाँ? मुंगेर। मुंगेर सुंदरपुर जिला मुंगेर पड़ता है। जा रहे थे कहाँ? ना अपना ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जा रहे थे। अंग जनपद की लोक परंपरा से जुड़ी विसारी पूजा को लेकर चंपा नगर के प्राचीन मनसा विसारी मंदिर में शनिवार को होने वाली विसारी पूजा की तैयारी पूरी कर ली गई है। मूर्तिकार जहां मां मनसा समेत अन्य प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे रहे, वहीं मंदिर एवं पूजा पंडालों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। शनिवार को जिले के सभी विसारी मंदिरों में मां मनसा एवं सती बिहुला की पूजा की जाएगी। चंपा नगर विसारी मंदिर के पंडित संतोष झा ने कहा कि सबसे पहले संयम पूजा के साथ मां मनसा देवी का आवाहन कर प्रतिमा को वेदी पर चढ़ाया जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा के बाद शनिवार को सुबह से सरकारी पूजा के बाद मंदिर का पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। मंदिर समिति की ओर से पहला डलिया मां को चढ़ाया जाएगा, जबकि रात्रि के 10 बजे मंदिर से बाला लखेंद्र की बारात निकाली जाएगी, जो शहर का भ्रमण कर पुनः मंदिर परिसर पहुंचेगी, जहां पूरे रीति रिवाज से बाला लखेंद्र एवं सती बिहुला का विवाह कराया जाएगा। वहीं शहर के सभी विसारी पूजा समिति की ओर से 2 दिनों तक चलने वाली विसारी पूजा एवं विसर्जन की तैयारी की गई है। कल की पूरी तैयारी कर ली गई है, पूरा लाइट पंडाल का जो भी कार्य है सम्पन्न हो गया है और कल से पूजा की प्रारंभ होगी। सुबह 5 बजे से ही डलिया चढ़ाने का कार्यक्रम होगा। पहले यहाँ पे मान्यता के अनुसार जो सरकारी डलिया है वह चढ़ेगी, उनके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए भी पट खुल जाएंगे और लोग डलिया चढ़ाएंगे। उनके बाद फिर 1 बजे से पाठावली का कार्यक्रम चालू होगा। उनके बाद फिर रात में मंजूषा लाने पंडित जी जाएंगे कुम्हार के यहाँ। उनके बाद फिर रात में बाला बिला की बारात निकलेगी, फिर घूमते हुए मंदिर पुनः आएगी और फिर जो भी पौराणिक कथा के अनुसार सारे कार्यक्रम उसी के तरफ दोहराए जाएंगे। पटना से भागलपुर पहुंची पुरातत्व विभाग की टीम ने शुक्रवार को भागलपुर नाथनगर चंपा के धरोहर की खोज एवं उसका अध्ययन करने को लेकर अंग क्षेत्र की चंपा नगरी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एक्सक्यूटिव डायरेक्टर विजय कुमार चौधरी, भागलपुर रेंज DIG विकास वैभव समेत टीम के अन्य सदस्य CTS ग्राउंड महाशय ढ्योड़ी स्थित भैरव स्थान, ठाकुरबाड़ी एवं जमुनिया नदी तट पहुंचे और कई तरह की जानकारी एकत्रित की।
टीम ने सिटी एस ग्राउंड से कुषाण काल में बने दीवार का निरीक्षण किया और अवशेष एकत्रित किया, जबकि महाशय ड्योरी की बनावट को देखकर डीआईजी समेत पुरातत्व विभाग की टीम ने इसे अद्भुत बताया और खुदाई की संभावना व्यक्त की। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विजय कुमार चौधरी ने कहा कि 16 महाजन पदों में चंपा का भी विशेष महत्व है, जहाँ वर्षों पहले पटना विश्वविद्यालय द्वारा खुदाई कराई गई थी, जिसमें कई पुरावशेष मिले थे। उन्होंने कहा कि पुनः पुरातत्व विभाग द्वारा खनन कराया जाता है तो इतिहास से जुड़ी कई जानकारी एवं अवशेष मिल सकता है। इस मौके पर सिटी एस प्राचार्य विजय प्रसाद, अजय भट्टाचार्य समेत टीम के सदस्य, डीआईजी विकास वैभव ने कहा कि चंपा का अतीत काफी समृद्ध है और यहाँ अब भी कई भगना अवशेष मौजूद है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक धरोहर का दर्जा देकर चंपा के अतीत एवं धरोहर को संरक्षित किया जा सकता है। इस मौके पर सिटी एस प्राचार्य विजय प्रसाद, अजय भट्टाचार्य समेत टीम के सदस्य मौजूद थे। जिस स्थल पे हम लोग खड़े हैं वो चंपा है, जो 16 महाजनपद थे 6 शताब्दी ईसापुर में, उसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में चंपा एक था। यहाँ की खुदाई 25-30 साल पहले पटना विश्वविद्यालय ने कराया था और यहाँ से जो पुरावशेष मिले और जो पटना विश्वविद्यालय में अभी रखे हुए हैं, बेहतरीन पुरावशेष हैं। वैसा पुरावशेष बिहार के कम पुरास्थल में देखने को मिलता है और ये एक विस्तृत माउंड है, विस्तृत टीला है। और यहाँ अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे ईंट की दीवार, जो कि शुंग कुषाण काल के की दीवार हैं, अभी भी उसके अवशेष मौजूद हैं। देखिए, चंपा को साहित्य में विश्व का सबसे पहला नगर भी कहा गया है और यहीं की संस्कृति ने वियतनाम में चंपा नामक साम्राज्य को प्रेरित किया था। अभी भी बहुत सारे अवशेष बचे हुए हैं सीटीएस नाथनगर में और उसके आसपास के इलाके में। जहाँ भी हम लोग घूमेंगे तो बहुत सारे पुराने बर्तन, मिट्टी के बर्तन, दीवारों के अवशेष, भवनों के अवशेष मिलते हैं। इसमें बहुत अच्छे से खुदाई करके शोध करने की आवश्यकता है, जिससे हमारी प्राचीन संस्कृति पर बहुत जानकारी भी हम लोगों को मिलेगी। स्नातक पार्ट 1 में नामांकन को लेकर छात्रों ने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के सामने जमकर प्रदर्शन किया और धरना पर बैठ गए। पार्ट 1 में एडमिशन नहीं होने से आक्रोशित छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि ऑनलाइन एडमिशन के नाम पर छात्रों को परेशान किया जा रहा है। बीएन कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज और टीएनवी कॉलेज की सूची में नाम नहीं आने से गुस्साए छात्रों ने ऑफलाइन एडमिशन लिए जाने की मांग विश्वविद्यालय प्रशासन से की। वहीं हंगामा बढ़ता देख विश्वविद्यालय थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद प्रॉक्टर प्रोफेसर बिलक्षण रविदास ने छात्रों को समझाने का प्रयास किया, साथ ही समस्या समाधान का भरोसा दिलाया। वहीं मांग को जायज बताते हुए छात्र राजद के दिलीप कुमार, एबीवीपी के कुणाल पांडे, अंग क्रांति सेना के शिशिर रंजन सिंह और एनएसयूआई के बम्बम प्रीत ने छात्र हित में आंदोलन करने की चेतावनी दी, जबकि धरना पर बैठे छात्रों ने कहा कि मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। का मांग ये है कि पार्ट 1 में जब विश्वविद्यालय में नामांकन चल रहा था, अभी भी विश्वविद्यालय में 25,000 सीट खाली है, फिर भी बहुत बड़े पैमाने पर अभी भी छात्रों का नामांकन नहीं लिया जा रहा है और उसके लिए हम लोग का मांग है कि फिर से दोबारा पोर्टल खोला जाए या जहां भी सीट खाली है उसमें छात्रों का फिर से नामांकन लिया जाए और उसके बाद सीट का बढ़ोतरी किया जाए ताकि छात्र जो है परेशान ना हो। तीन चार महीने से हम लोग कुछ भी नहीं हो पा रहा, सिर्फ बार बार लिस्ट आ रहा, फर्स्ट लिस्ट आया, सेकंड लिस्ट आया, आप लोग भी हमारे लिस्ट में कोई नाम नहीं आया सर, और हम लोग चार महीने से दौड़ रहे हैं। बोलते हैं कि ठीक है, आप बात करेंगे कुलपति सर से बात करेंगे, फिर आपको एडिट कराना पड़ेगा, फिर ऑनलाइन कराना पड़ेगा। ऑनलाइन में सर पैसा बहुत खर्च हो रहा है सर, सब दूर दूर से आए, वैसे बहुत बहुत दूर से आए। स्वतंत्रता दिवस पर अधिकारियों द्वारा तिरंगा नहीं फहराए जाने के विरोध में गुरुवार को लोगों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया। दरअसल नाथनगर चंपा नगर बिसरी स्थान से जैन मंदिर जाने वाले मार्ग में भू अर्जन पदाधिकारी शैलेश कुमार चौधरी द्वारा झंडोत्तोलन करना था, लेकिन काफी देर इंतजार के बाद भी अधिकारी नहीं पहुंचे, जिस पर वार्ड के लोग आक्रोशित हो गए। अधिकारी द्वारा विकास मित्र मीरा कुमारी को झंडोत्तोलन करने की बात कहने की सूचना पर लोगों ने इसका विरोध किया और सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया। लोगों ने कहा कि यह राष्ट्रध्वज का अपमान है और अब डीएम को लापरवाह अधिकारी पर कार्रवाई करनी चाहिए। हंगामे की सूचना मिलने पर नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन सदल बल मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग अधिकारी की बर्खास्तगी की मांग पर अड़े रहे। बाद में सीओ के द्वारा पूर्व पार्षद विनय लाल से झंडोत्तोलन कराया गया।
बजे का टाइम था झंडा फहराने का, 11:30 बजे का टाइम। यहाँ पर आदमी टाइम पे टाइम हो गया, बोल रहे ना सवेरे 7 झंडा फहराना चाहिए। हम बोले नहीं, हम लोग आदेश है डीएम का, 11:30 बजे झंडा लेटर निकला, डीएम का सर का आदेश है। तो बोले नहीं, हम लोग आदेश का क्या, हम झंडा का अपमान नहीं करेंगे, हम लोग 7:00 बजे 8 झंडा फहराने का है। तो हम इसे सब कोई उलझ गए। मामला ये है कि पिछले 26 जनवरी 2019 से यहाँ विकास मित्र के द्वारा झंडोत्तोलन का कार्यक्रम हो रहा है। इस बार भी 15 अगस्त में यही प्रोग्राम रखा गया था। विकास मित्र आए हुए थे, उन्होंने बोला कि सारा अरेंजमेंट कर देना है, 9 बजे तक झंडोत्तोलन होगा। 9 बजे सारा इंतजाम करके यहाँ तैयार थे। जब 9 बज गया तो बताया कि 10 बजे 1 घंटे के बाद डीएम के आदेश से अधिकारी आने वाले हैं, उसके बाद झंडोत्तोलन होगा, अन्यथा नहीं। 10 बज गया, 10 बजने के बाद फिर जब उनको बोला गया, वही विकास मित्र को, तो उनका कहना था कि 11:30 बजे आएंगे, तभी जो है झंडोत्तोलन होगा, अन्यथा हम झंडोत्तोलन नहीं करने देंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर, स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर, मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, एमएस ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। भागलपुर के कलगांव में श्री बाबा बटेश्वर नाथ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि श्री बाबा बटेश्वर नाथ पहुँच कर आयोजन को सफल बनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बिसारी पूजा को लेकर जिले भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि पूजा के दौरान विधि व्यवस्था दुरुस्त रहे। शुक्रवार को नाथनगर थाना में डीएसपी राजवंश सिंह ने शांति समिति और पूजा समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से मंदिर परिसर में उमड़ने वाली भीड़ को लेकर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। वहीं बड़े वाहनों के रूट में परिवर्तन करने, मंदिर के समीप घूमने वाले असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के अलावा कई बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। डीएसपी ने पूजा समिति और शांति समिति के सदस्यों से पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करने की बात कही। इस मौके पर पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव, वार्ड पार्षद पंकज दास, जियाउर रहमान, विनय लाल, भवेश यादव सहित कई लोग मौजूद थे। सारी पूजा भागलपुर खासकर नाथनगर का बहुत बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो ये बैठक का मकसद ये है कि जो मेड़पति हैं, जो आम लोग हैं, जो वॉलंटियर हैं और जो मेला के आयोजक हैं, सभी के साथ हम लोगों की बातचीत हो जाए
और हम लोग ये तय कर सकें कि ट्रैफिक की व्यवस्था को कैसे करना है और भीतर में पुलिस व्यवस्था कैसे करनी है। उद्देश्य यही है, लोगों से मिलना और ये जानना कि व्यवस्था को और बेहतर कैसे किया जाए। ड्यूटी से गायब रहने वाले कर्मियों पर विश्वविद्यालय प्रशासन अब सख्त होता नजर आ रहा है। शुक्रवार को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह ने प्रशासनिक भवन के कई विभागों का औचक निरीक्षण किया। वहीं हाजिरी बनाकर कार्यालय से फरार रहने वाले कर्मचारियों को सबक सिखाने के लिए रजिस्ट्रार ने उपस्थिति पंजी को अपने कार्यालय मंगवा लिया। रजिस्ट्रार ने कहा कि हाजिरी बनाकर गायब रहने वाले और बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं रजिस्ट्रार ने प्रशासनिक भवन स्थित आरटीआई शाखा, इंजीनियरिंग सेक्शन और एनएसएस शाखा का निरीक्षण किया और कार्य में कोताही बरतने वाले कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई करने की बात कही। निरीक्षण के दौरान एनएसएस शाखा में दो कर्मचारी अनुपस्थित मिले। इसके बाद कुल सचिव ने एनएसएस के कार्यक्रम समन्वयक डॉ. दीपो महतो को तलब किया और कार्यालय में गंदगी देखकर कोऑर्डिनेटर की जमकर फटकार लगाई। साथ ही ससमय कार्यालय नहीं आने वाले कर्मियों की हाजिरी काटने का निर्देश दिया। इसके बाद रजिस्ट्रार ने साफ सफाई की दयनीय स्थिति और कर्मियों के ऑफिस नहीं आने का कारण पूछा, जिस पर डॉक्टर महतो गोल मटोल जवाब देते नजर आए। वहीं कर्नल अरुण कुमार सिंह ने कहा कि कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, साथ ही गायब कर्मियों से सौकौच किया जा रहा है। मैं इंजीनियरिंग सेक्शन में गया था और अभी मैं एनएसएस कोऑर्डिनेटर के ऑफिस में नहीं, डायरेक्शन है कि इनको समय पे आने के लिए है। मैंने उनको डायरेक्शन दिया कि आप टाइम पे आइए और लीव एप्लीकेशन मैं चेक कर रहा था, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन होते हैं मैंने दे दिया उनको। पुलिस के खिलाफ नकारात्मक चर्चा तो आपने काफ़ी सुनी होगी, लेकिन इसी पुलिस विभाग में कई ऐसे पुलिस वाले भी हैं जिनके मानवीय प्रयास से अपनों से बिछड़े लोगों को मिलाना संभव हो पाता है। दरअसल स्वतंत्रता दिवस के दिन गुरुवार को बांका के पंजवारा पुलिस ने एक भटके हुए नेपाली युवक को उसके परिजनों से मिलाया और सुरक्षित सौंप दिया। बताया जाता है कि एक सप्ताह पूर्व भटक कर नेपाल का युवक पंजवारा पुलिस के पास पहुंचा, जहां पंजवारा पुलिस ने उसे अपने पास शरण दिया और रहने के साथ उसके खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था मुहैया कराया। पुलिस ने धीरेन्द्र पासवान नामक युवक से पूछताछ की तो पता चला कि वह नेपाल के धनुषा जिले का रहने वाला है और रोजगार के लिए गुजरात के सूरत गया था। घर लौटने के क्रम में रास्ता भटक गया और पंजवारा पहुंच गया। थाना अध्यक्ष मुरलीधर शाह ने नेपाल पुलिस को धीरेन्द्र के भटकने की सूचना दी, जिसके बाद उसके परिजनों को धीरेन्द्र के पंजवारा पहुंचने की जानकारी मिली। गुरुवार को नेपाल से आए धीरेन्द्र के जीजा शत्रुघ्न पासवान को पंजवारा पुलिस ने सौंप दिया। शत्रुघ्न पासवान ने पंजवारा पुलिस के इस प्रयास की भरपूर सराहना की। सूरत गया था कमाने के लिए, एक साल हो गया, दस में निकला था। सूरत से घर नहीं गया, फोनिंग बोले तो तीन चार मास फोन भी हुआ, इसके बाद फोन डिस्कनेक्ट। भागलपुर बीएन कॉलेज प्रशासन और वहां का छात्र संघ एक बार फिर आमने सामने है। बुधवार से तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर में प्राचार्य डॉक्टर अशोक ठाकुर को हटाने की मांग को लेकर छात्र रोहित कुमार, सत्यम कुमार और अभिषेक कुमार अनशन पर है। अनशन पर बैठे छात्रों ने प्राचार्य पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि प्राचार्य कॉलेज में असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देकर छात्रों से अवैध उगाही कराते हैं। मुख्य मांगे हम लोग की कि क्या बीएन कॉलेज के जो प्राचार्य अशोक ठाकुर उनको बर्खास्त करना और वो अवैध तरीके से स्टूडेंट से पैसा वसूली करते हैं, अवैध तरीके से पेड़ पौधे को कटाई करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, छात्र संघ पे हमला करवाते हैं। बांका के अमरपुर में एक अज्ञात वृद्ध महिला का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। अमरपुर के बल्ली कित्ता गांव सिमरा पुल के समीप शुक्रवार की सुबह 60 वर्षीय महिला का अज्ञात शव मिला, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही अमरपुर थाना अध्यक्ष कुमार सन्नी सात दलबल घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया, जबकि इससे पूर्व काफी पूछताछ के बाद भी शव की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने आशंका जताई है कि पहचान छिपाने के लिए कहीं से हत्या कर महिला के शव को सिमरा पुल के समीप फेंक दिया गया है। हालांकि फिलहाल पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार से छात्र छात्राओं और कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधा मिलने शुरू हो जाएगी। दरअसल पिछले एक माह से स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं रहने से छात्रों का इलाज नहीं हो पा रहा था। वहीं शुक्रवार को डॉक्टर अरविंद कुमार चौधरी ने हेल्थ सेंटर में अपना योगदान दे दिया। इसके पूर्व डॉक्टर अरविंद ने रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह से मुलाकात की और स्वास्थ्य केंद्र की जानकारी ली।
रजिस्ट्रार ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र में मेडिसिन उपलब्ध है और जल्द ही लैब में जांच सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं कुल सचिव कर्नल अरुण कुमार सिंह ने डॉक्टर अरविंद कुमार चौधरी को स्वास्थ्य केंद्र को बेहतर बनाने के लिए कई दिशा निर्देश दिए। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। जिले में नहीं थम रहा रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार बोलेरो ने महिला सिपाही को रौंदा, मौके पर हुई मौत। अंग प्रदेश में बिसारी पूजा को लेकर सारी तैयारी हुई पूरी, शनिवार को मंदिरों में होगी मां मनसा की पूजा। पटना से आए पुरातत्व विभाग की टीम ने चंपा नगरी का किया निरीक्षण, ऐतिहासिक धरोहर के अवशेषों को किया एकत्रित। स्नातक में दाखिले को लेकर छात्रों ने विश्वविद्यालय में जमकर किया हंगामा, छात्र संगठनों ने आंदोलन की दी चेतावनी। और स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा नहीं फहराए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने किया हंगामा, नाथनगर मुख्य सड़क मार्ग किया जाम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।